व्यासाचक भर्ती परीक्षा देने के बाद तमाम अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा पहला सवाल आ रहा है कि सर इसकी कटाप कितनी जा सकती है। इस कटाप के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल जहन और मन में आ रहा है, जो सबसे पहले उठकर आ रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर आखिर बना कहाँ से था। सच्चाई तो यही है कि जो पढ़ाया गया था, जो सिलेबस था, उससे इतर, उससे अलग पाठ्यक्रम आया है। और कटाप जानने से पहले यह बात जानना जरूरी है कि आगे की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे की परीक्षाओं की रणनीति बना रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा। अब उन्हें किस तरह से पढ़ना, क्योंकि अब उनके पढ़ने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। अगर कोई चाहे 2 महीना में 10 दिन में 1 महीना में पढ़कर सिलेक्शन ले ले, अब मुश्किल है। अब उन्हीं का सिलेक्शन होगा आने वाले समय में, जो लगातार क्रमवार रूप से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कोचिंग क्लासेज में या जो पढ़ाए गए थे, उससे पूरा हटकर सवाल पूछे गए हैं। और इस तरह से कहा जाए कि जो कोचिंग थे, यूट्यूबर्स थे, वो सब फेल हो गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के आगे। बताओ, अगर मैं करूँ, खुद को भी अगर मैं कहूँ, तो मैंने भी जो पढ़ाया था, मैंने भी खुद उम्मीद नहीं की थी कहाँ से पेपर आएगा। पेपर पूरी अलग बाउंड्री से आई, मैंने पेपर जो पूछा गया सवाल है वो एकदम इतर एकदम अलग तरह से है। फिर भी नोट्स से अगर सवालों की बात करें तो 40% सवाल ऐसे जो इलेने भी दुर्गे से जो नोट्स थे वहाँ से मिल रहे हैं। लूसेंट का बोलबाला था और आने वाले समय में भी लूसेंट का बोलबाला रहने वाला है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो सबसे पहले फोकस करने की जरूरत आपको है, वो है आपका लूसेंट। आप लूसेंट को जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, जितना बेहतर से तैयारी कर पाएंगे, उतना आने वाले समय के लिए आपके बढ़िया हो पाएगा। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिहार शिक्षक भर्ती की पेपर फर्स्ट की बात करी जाए, क्योंकि सेकंड जो पेपर लैंग्वेज है, चाहे महिला हो अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, जिन अभ्यर्थियों ने दिया है उसमें केवल क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई 30% अंकों के साथ अगर आपने कर लिया है, तो आप अगली परीक्षा के परिणाम के लिए तैयार रहिए। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, जो जीएस था, उस जीएस पेपर में जो पहला होगा था, जीएस पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं थी। बेसब बुकलेट में लिखा हुआ था, कुछ लोग इस बात को लेकर हैरान थे, सर बुकलेट में तो निगेटिव मार्किंग लिखी गई है। तो बीपीएससी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि भैया नकारात्मक अंक नहीं रहने वाले। अगर नकारात्मक अंक होता, सोचिए बीपीएससी के अभ्यर्थियों की कितने अभ्यर्थी ऐसे होते जिनके नंबर माइनस में आते। इस हिसाब से पेपर बना हुआ, तो 5 विकल्पों वाला पेपर था। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कटऑफ क्या हो सकती है, तो अगर आपने अदर स्टेट के हैं और आप, क्योंकि वहां पे काउंटर जनरल में होना है, अगर आपने 75 प्रश्न अगर सही सही किए हैं, 70 से 75 प्रश्न, मतलब 10 प्रश्नों को प्लस माइनस हम लेकर चल रहे हैं, 70 से 75 प्रश्न अगर आपने सही सही कर लिए हैं, तो आप यकीन मानिए बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप खड़े हैं। जी हाँ, 70 से 75 प्रश्न अगर आपने किए, 10 प्लस माइनस की हम बात करें, 10 प्लस हो सकता है, 10 माइनस हो सकता है, माने 65 पर भी हो सकता है, 85 भी जा सकता है, मतलब 75 से लेकर 85 और 65 के बीच अगर आप हैं, तो यकीन मानिए बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए तैयार है। हो सकता है उससे कम भी मेरिट चली जाए, लेकिन अधिकतम मेरिट उससे ज्यादा नहीं होगी। कुछ लोग आकर अगर सर 90 जाएगी, कोई 95 कह रहे हैं, कोई 102 कह रहा है, लेकिन मेरी जो फैक्ट कह रहा है, जो हमने उनसे बात की, जो इलेनी भी दुर्गेश साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने बात की, तो उनसे एक बात करने के बाद एक बात समझ में आई, एक बात स्पष्ट हो गया कि जो पेपर का कट ऑफ रहने वाला है, जो सिलेक्शन का जो एक मिनिमम अंक जो सबके सामने नजर आ रहा है, वो 65 से 75 अंकों तक का हो सकता है, और या 85 अंक तक जा सकता है, मतलब 10 प्लस माइनस की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपके परीक्षा में जिस भी सेशन में देख रहे हैं, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सेफ है महिला और पुरुष अभ्यर्थी। तो इतना है, तो तैयार रहिए और अगली भर्ती के लिए। बाकी आप सभी जो यूपी के अभ्यर्थी थे, आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी से तत्पर और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है आप सभी के लिए, कहने वाली बात यह है कि अब आपको आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए कड़ी मेहनत करनी है, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना है। एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, इस बात पर जो गुत्थी है वो ही पूरी तरह से सुलझ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आपके हिसाब से आपका क्या अंतरात्मा कहती है, आपको क्या उम्मीद लगती है कि बिहार शिक्षक भर्ती की आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जाने वाला है। अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर दिया, तो उसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे जो यूपी के अभ्यर्थी थे, आरओआरओ की तैयारी और पेट के फॉर्म जरूर भरते, क्योंकि पेट का फॉर्म भरने के साथ साथ पेट की तैयारी पर भी फोकस करें, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो सेशन है, उनके लिए पेट भी अहम है, क्योंकि उसके आधार पर ही आने वाले भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। और ये साल भर्ती का साल होने जा रहा है, और आप लोग अपना बेस्ट और बेहतर देते रहने की पूरी तैयारी शुरू करें। वैसे फिलहाल
मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और मैं आपके लिए जीएस की सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो आप इसमें अपना राय दे सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या बेहतर शुरू करूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेकंड पेपर क्वालिफाई था जीएससी के, जो है मतलब लैंग्वेज क्वालिफाई करना था, सेकंड पेपर आपको मेरिट बनानी है, सेकंड मतलब हिंदी का और अंग्रेजी जो भाषा था उसके अंक नहीं जुड़ेंगे, और इसलिए अगर आपने 75 10 प्लस माइनस अगर आपने है तो आप यकीन माने बिहार में सरकारी शिक्षक बनेंगे। पेपर का कठिनाई इस तरह काफी ज्यादा थी, जितना उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा, और सब लोग फेल हो गए, ये कोई सच्चाई है और सबको सहृदय स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आपके रेस के घोड़े हैं, और ये जारी रहेगी तब तक जब तक आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो जाए। बाय बाय।